नमस्कार, इंडिया न्यूज 64 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से है। अलवर में कांस्टेबल और दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए रामजस कांस्टेबल अबकारी व्रत और उसके दलाल निवेश यादव निवासी फौजी कॉलोनी को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके शराब ठेके को निर्बाध रूप से चलाने देने के रूप में 90,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर कांस्टेबल और दलाल निवेश यादव परेशान किया जा रहा है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया और महेंद्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस टीम द्वारा आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए रामजस पुत्र मंगूटू राम यादव निवासी नंगली मुसी पोस्ट शाहपुर जिला हॉल कांस्टेबल अबकारी दत्त अलवर और दलाल दिनेश यादव पुत्र राम सिंह यादव निवासी फौजी कॉलोनी मन्ना के रोड को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय ये है, आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान 30 मार्च को परिवादी से 70,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे। आरोपियों से पूछताछ और आवास एवं ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज का अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। देखिए, परिवादी ने अपना नाम गोपनीय रखने की उसमें हमें शिकायत दी चौकी में उपस्थित होकर कि आबकारी विभाग में पदस्थापित चालक रामजस और उसका दलाल प्रदीप मेरी आबकारी की दुकान को संचालित करने की एवज में मंथली के रूप में रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। हमने रिश्वत मांग सत्यापन कराया तो मांग सत्यापन सही पाया गया। मांग सत्यापन में ये पाया गया कि आरोपियों द्वारा मंथली राशि के अलावा मंथली बोतल की राशि भी उनसे मांगी जा रही थी। तो बोतलों की एवज में जो राशि 30,000 रुपये दी जानी थी वो तो कल दिनांक 30 मार्च को दलाल के द्वारा प्राप्त कर ली गई थी और बचे हुए जो मंथली के 50,000 रुपये हैं वो आज ट्रेप के समय दलाल ने जैसे ही प्राप्त किए हमने उनको ट्रेप कर लिया। सर, जांच में क्या सामने आया? जांच में यही सामने आया है कि जो आबकारी विभाग का कांस्टेबल है वो ये जो शराब की जो दुकानें हैं इनसे मंथली वसूलने के नाम पर अपने दलाल के माध्यम से वसूली कर रहा था और उसी एवज में ये कार्रवाई की। इसमें इंस्पेक्टर नीलम का क्या रोल रहा है? देखिए, इसमें हमारे पास में ना तो मांग सत्यापन हुई है उनके द्वारा, सिपाही रामजस जो है वो जरूर उनके नाम पर ही दबाव बना रहा था, लेकिन हमने जब सत्यापन कराया तो उससे हमारी कोई भी सत्यापन नहीं हो पाया। रामजस के उसके पास ही काम करता है चालक है, ये अभी सत्यापित नहीं हो पाया है कि रामजस उसके पास काम कर रहा है। उनके अन्य ठिकानों पर तलाशी में कुछ तलाशी अभी जारी है, तलाशी जारी।